अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा कामरान। और जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि ट्विन सिटीज़ में जो जो एक्टिविटीज़ हों वो हम आप तक लेकर आएँ, और यही वजह है कि आज हम एक और इवेंट पर मौजूद हैं। अब मेरा कैमरामैन आपको इस इवेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप वॉचिंग सिटी बस विद राजा कामरान। जी हाँ, जैसे कि उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद बहुत देर बाद ही अभी रिसेंटली हमारे जो इवेंट्स हैं वो स्टार्ट हुए हैं, तो हर बंदा एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार था, तो अच्छा लग रहा है आज। तुम्हें बताएं कोई दो लाइनें गुनगुना दें हमारे नाज़रीन के लिए। ओके, मेरा जो नेशनल सॉन्ग है मैं आप लोगों को वो सुनाना चाहूँगी, हल्का सा गुनगुनाऊँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद मेरा दिल मेरी जान, मेरा सोहना पाकिस्तान, मेरा दिल मेरी जान, मेरा सोहना पाकिस्तान, जिस पर हम सब कुर्बान करें अपना दिल अपनी जान। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों के, स्पेशली जब पिंडी के लोग जो हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में आते हैं, दे ऑलवेज लुकिंग फॉर अ गुड प्लेस टू सेट। और मेरे ख्याल में बहुत सारी जगह है, लेकिन ऑब्वियसली व्हेन दे विल कम ओवर हियर दे विल सी अच्छा लोगों का माहौल देता है, जहाँ पे आपको एक अच्छी फ्रेश जो है चाय मिलेगी जनाब, आप पी के बहुत ही फ्रेश हो जाएंगे। इनकी बहुत हम लोगों ने अभी स्नैक्स वगैरह ली हैं, वो बहुत ही अच्छी फ्रेश और टेस्टी हैं। तो जो भी आएगा वो इस जगह को एंजॉय करेगा। आप लोग आएँ, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करें इनके साथ। कि कोरोना के बाद सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी चेंज, ठीक है, इवेंट्स दोबारा से स्टार्ट हो गए, इवेंट मैनेजमेंट जो है वो दोबारा से एक्टिव हो गई, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों ने सफ़र किया, हम सब लोग ओबियसली, हम लोग एक लंबे अरसे तक के लिए इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर थे, और अब जब दोबारा स्टार्ट लिया है तो मेरे ख्याल में जो भी हुकूमत ने एस ओ पीज़ दिए हैं हमें, उसको फॉलो करते हुए हर जगह पे, यहाँ पे भी आप देखेंगे जो एस ओ पीज़ फॉलो हो रही हैं। मैं सैनिटाइज़र्स देख रही हूँ, यहाँ पे सैनिटाइज़र्स हैं, आप आएँगे आपको मास्क दिए जाएंगे, मतलब ये सारी चीज़ें लेकर आप चलेंगे, आप इवेंट्स अपना यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से आप जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है। ओके, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, चलो इसी खुशी में जो है ना दो लाइनें गुनगुना दो। नहीं, मैं गुनगुना नहीं सकती। अच्छा चलो, कोई प्यारा सा स्वीट सा मैसेज दे दो। मैं कहना चाहूँगी कि आजकल के जो लड़के लड़कियाँ उनके साथ टाइम पास बिल्कुल भी ना करें और अच्छे से चलें इनके साथ, और अच्छे से करें, अच्छे से चलें। एक्चुअली मैं खुद भी इवेंट्स ही करवाता हूँ, तो ये है कि कोरोना के बाद काफ़ी इवेंट्स कैंसिल भी हुए हैं, कुछ हो रहे हैं, जो एस ओ पीज़ का ख्याल रख रहे हैं तो उनके इवेंट्स अच्छे हो रहे हैं, जो एस ओ पीज़ का नहीं ख्याल रख रहे वो कैंसिल भी हो रहे हैं, तो ख्याल रखना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है जी, काफ़ी टाइम बाद सारे टिकटॉकर्स इकट्ठे हुए हैं, सबसे मिलने का मौका मिला है। मेरे ख्याल में तकरीबन ऐसा होना चाहिए कि हर बंदे से बंदा मिल सके और हर टिकटॉकर से बंदा अपने फेवरेट के साथ पिक वगैरह सेल्फी वीडियो बना सके। और आप क्या कहोगे? बिल्कुल जी, ऐसी एक्टिविटीज़ होती होनी चाहिए। एक तो ये है कि बंदे को एंजॉयमेंट का टाइम मिल जाता है, दूसरा ये एक अच्छा तलक बन जाता है। तो इस्लामाबाद और पिंडी में पहले भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं और भी होनी चाहिए, मगर अभी जिस तरह ये लोग फिर दोबारा इन चीज़ को कि कोरोना आ रहा है इत्यादि तदाबीर इख्तियार करें, अल्लाह करे कि ये दोबारा ना आए और इस तरह रोने के दोबारा बहाल हो जाए। ठीक है, कोई पश्तो में दो लाइनें गुनगुना दें। दचर सुछलम मस्क पगर मखी अदम खाना, दचर सुछलम मस्क पगर मखी अदम खाना, ब्या गड़ी वड़ी वाई पन शकी अदम खाना।
बहुत सारी फिजिबिलिटियाँ थी जो बहुत सारी रुक गई थी, और उसके बाद ये सारी पार्टियाँ और ये सारी चीज़ें, अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें नए सिरे से स्टार्टिंग लेनी पड़ेगी। और ये सब जो मामलात हुए हैं, ये उन्होंने अभी इवेंट रखा है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त लगा है, और काफ़ी कुछ इसमें दोबारा से हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो मुझे ये बताएं कोई दो लाइनें गाना गुनगुना दें हमारे नाज़रीन के लिए। जमा सरदारा नाम ने यारा। जी नाज़िम, मेरे साथ इस वक्त एक इवेंट के पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, इनको भी मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। शाहाना, क्या कहना चाहेंगी आज की इस एक्टिविटी के हवाले से, और स्पेशली ख़वातीन का एक अहम रोल होता है, और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। बस ये इवेंट मेरी इन माय ओपिनियन वाज वेरी वेरी फ्रूटफुल इन द सेंस कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव था। इसमें स्किट हुआ, उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए सब ने, एंड जैसे शानदानों को दास साहिबा ने बताया, उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ की प्रॉब्लम को, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड आई थिंक एक और चीज़ होनी चाहिए कि बहुत जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सबको हमें लाना चाहिए ऑन बोर्ड, ताकि जिनके इशूज़ हैं उन सबको हम लोग साथ लाएँ एंड उसका सोलूशन निकले। ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सबको पता है, लेकिन उसका सलूशन किस तरीके से निकालें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंटरेक्टिव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन आंसर्स का होना भी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोग बता सके एक दूसरे को कि क्या एग्जैक्टली इशूज़ वो फेस करते हैं। समीना शोएब हमारे साथ मौजूद हैं। समीना शोएब, क्या कहना चाहेंगी आज की इस एक्टिविटी के हवाले से? देखिए, आज नेशनल वुमेन डे है, और इस हवाले से मैं यही कहूँगी कि ये वैसे तो तारीख के हिसाब से तो हमारा दिन है, लेकिन अगर आप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को देखें, GBV का रेट देखें, तो वो अभी तक भी जो माइंड सेट है वो कोई भी, चाहे आप सिविल सोसाइटी कह लें या आप गवर्नमेंट कह लें या आप पंजाब की जो वुमेन प्रो लेजिस्लेशन हुई है वो कवानीन कह लें, उसके तहत ज़रा भी उसमें कमी नहीं आई है। इसके लिए हमें यही करना होगा कि हम मॉक सेशंस करें कम्यूनिटी में, और वो रूट कॉज पकड़ें कि जिसकी वजह से ये सारा वायलेंस जो है वो होता है, और वो डेफिनेट वो यही है कि अगर हम ख़वातीन के साथ साथ मर्दों को भी जो है एजुकेट करें, उनको कम्युनिकेट करें, उनका माइंडसेट चेंज करें, तो बहुत हद तक जो है वो इस तशद्दुद में कमी आ सकती है। आज के इस दिन के हवाले से मैं एक शेर नज़र करूंगी अपनी तमाम बहनों के नाम वुमेन डे के हवाले से, कि तुझे मोहब्बत करना नहीं आती, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता, ज़िंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। आज की इस एक्टिविटी के हवाले से कैसा रहा ये इवेंट, और स्पेशली इज़ दिस इवेंट इज़ अप टू योर फीडबैक और अप टू योर मार्क, अप टू योर स्टैंडर्ड? जी, इस इवेंट में ये था कि आज हम एक लॉन्च कर रहे थे अपनी वायलेंस का डाटा, जो पेंडेमिक की कोविड में जो सिचुएशन थी, ख़वातीन से आया ये पेंडेमिक में वायलेंस बढ़ा है कम हुआ है, इसकी पूरी रिपोर्ट जो है हम इसमें बता रहे थे कि ये कैसी है। तो हमने ये देखा है कि वायलेंस जो है इंक्रीज़ हुआ है, जूँ जूँ जिस जिस ईयर के जिस जिस मंथ में वायलेंस इंक्रीज़ हुआ है, उसी टाइम पे, उस टाइम फ्रेम में जो है कोविड की सिचुएशन भी हमारी वर्स रही है, तो वायलेंस की सिचुएशन भी उसके साथ पैरेलल थी, वो भी वर्स रही है। जूँ जूँ जैसे सब लोग जो घर बैठ गए थे, लॉकडाउन लग गया था, उसके साथ साथ अगर हम पैरेलल देखें तो साथ वायलेंस में भी ना इंक्रीज़ हुआ है उन्हीं मंथ्स में और उन्हीं डेज़ में। आज का जो इवेंट था ख़वातीन के हवाले से था, और ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद होता है उसके ऊपर था। बिल्कुल, बहुत सी NGOs हैं जो आके मुल्क में काम कर रही हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें किसी NGO की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो इस्लाम है, कुरान पाक है, उसके अंदर हर चीज़ लिखी हुई है कि औरत को कितने हकूक मिलने चाहिए। हमें ये डिमांड करनी चाहिए कि जो भी कानून बने वो इस्लाम के मुताबिक बने, और जो कानून बने हुए हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। और तशद्दुद होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता है, लेकिन हम लोगों ने लोगों को अवेयरनेस देनी है इस्लाम की, कि इस्लाम क्या कहता है। क्या इस्लाम कहता है कि औरत के ऊपर तशद्दुद करो? क्या इस्लाम कहता है कि बच्चे के ऊपर तशद्दुद करो या किसी लड़की के को करो हरासमेंट का? क्या ऊपर आप पढ़ें उसको? कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसको हम नहीं पढ़ते हैं।
और हम बहुत सी एन जी ओज यहाँ पे उस पर भी बाहर वाले जो हैं लोग उनके ऊपर भी काम करती हैं कि बाहर से उनको भेजा गया है कि यहाँ पे आप औरतों को ये कहो कि हमें घर से नहीं जाने दिया जाता। औरतों को घरों से जाने दिया जाता है लेकिन तशद्दुद हर घर के अंदर नहीं है। मैं कहती हूँ कि चलें 80% घरों के अंदर होगा, उसको हमें कानून के दायरे कार के अंदर लाना पड़ेगा। जी नाजी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस सामिया। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। हमेशा की तरह बहुत एक्टिव हैं और इसी तरह एक्टिव रहे हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो क्या कहना चाहेंगी आज की इस एक्टिविटी के हवाले से? देखिए जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज का ये जो प्रोग्राम है इंतहाई एक ज़बरदस्त जो है वो इनिशिएटिव था और ये बड़ा ज़रूरी है कि ख़वातीन के लिए जो काम किए जा रहे हैं ठीक है उनको जो है वो मंजर आम पे लाया जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनसे ख़वातीन जो हैं वो ख़ुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करती हैं। देखें बिल्कुल ऐसे ही है, देखें एक स्ट्रेंथ आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होता है। तो इसलिए ख़वातीन के लिए जो है वो जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं हमारी गवर्नमेंट जो है उसके ये टोटली जो है मतलब फोकस है उसका, उसकी प्रायोरिटीज़ में से एक है कि हमने अपनी ख़वातीन को जो है उनकी जो उनके वो हुकूक हैं जो आज दिन तक उन्हें नहीं मिले उनको हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करें। जैसे वरासती हुकूक हैं आपके, इसी तरह से जो आपकी वोट का हक है, इसी तरह से आपका काम करने का हक है, ये तमाम वो चीज़ें हैं, तालीम का हक है, तो ये वो तमाम हुकूक हैं कि जिनको हम इंश्योर करेंगे कि ये इम्प्लीमेंट हों। फरवरी है वो औरतों का आलमी दिन है, नेशनल वुमेंस डे, तो इस पर हमने ये रिपोर्ट लॉन्च करवाई थी जिसमें औरतों के तशद्दुद के बारे में जो है जिक्र किया गया था और बड़ी अच्छी ये सेरेमनी रही है औरत फाउंडेशन के हवाले से। देखिए इस तरह के इवेंट तो आपने देखा एज यूजुअल होते रहते हैं, तो ये इस तरह के इवेंट हैं उनको सिर्फ देखिए जस्ट ऑन ईयर और ये फाइव स्टार रेस्टोरेंट तक ही नहीं महदूद होना चाहिए। इससे इन चीज़ों की ज़रूरत है कि आप लोग यूसी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके औरतों में अवेयरनेस के प्रोग्राम करवाएं, वहाँ पर वर्कशॉप होनी चाहिए। देखिए जैसे लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आप एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, इसी तरीके से यूसी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए और स्पेशली जो हमारे यहाँ देहात हैं वहाँ ज़रूरत है इन चीज़ों की, ताकि औरतों में अवेयरनेस आए। और उन वर्कशॉप में जेंट्स को भी बुलाना चाहिए ताकि उनको भी पता चले, चाहे जो लोग वायलेंस इस औरतों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, जो लोग औरतों को घर से बाहर नहीं निकले देते और जो लोग औरतों की राह में रुकावटें हायल करते हैं, ताकि उनके भी माइंड इस साइड पर आए कि वो लोग जो कर रहे हैं, आज की औरत जो है उसको आप कमरे में बंद करके नहीं रख सकते। हमारा माशरे में देखें 62% हमारी यूथ है और इसी तरीके से देखें मर्दों की नस्बत औरतों का तनासब बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस किस्म की जो वर्कशॉप हैं उनको सिर्फ फाइव स्टार रेस्टोरेंट तक ना महदूद रखा जाए, उनको लोकल सिटी सतह पे लेके आए। अस्सलाम वालेकुम जी, बात ये कि जो यहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन वगैरह सब कुछ, वो यहाँ की हद तक ही महदूद रहते हैं। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए बाकायदा तौर पर, ताकि औरतों की आवाज़ जो है तो आगे जा सके, उनके बारे में जो उनके हकूक हैं उन्हें मिल सकें। आज की एक्टिविटी बहुत यूज़फुल थी उन औरतों के लिए, स्पेशली जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं, और क्योंकि कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और लॉकडाउन की सिचुएशन अभी टाइम बाय टाइम है और वो डिफ़िकल्टीज फेस कर रही हैं स्टिल, तो उनके लिए एक यूज़फुल था कि उन्हें अवेयरनेस प्रोवाइड की गई है, उनके राइट्स के लिए यहाँ पर बात की गई है, तो इट वॉज़ वेरी यूज़फुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक आम कॉन्सेप्ट है कि इस तरह के इवेंट्स करवाना अच्छी बात है ठीक है, लेकिन इस तरह के इवेंट्स कराने का क्या सोसाइटी पे वाकई कोई असर होता है? बिल्कुल असर होता है, क्योंकि जब आप इस तरह के इवेंट्स कराते हो तो लोगों में अवेयरनेस आती है और हमारी जो फीमेल सोसाइटी है उसको अभी तक अवेयरनेस नहीं है अबाउट देयर राइट्स। वो अगर काम कर रही हैं तो उनका लगता है कि वो उन्होंने यही काम करना है, दे डोंट नो अबाउट देयर पर्टिकुलर राइट्स व्हिच आर देयर फंडामेंटल राइट्स। सो इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि उनमें शऊर पैदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपको पता है कि आज वुमेन डे है और हम लोगों ने हमारी हुकूमत में, मैं स्पेशली ये बात करना फ़ख्र महसूस करूँगी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में औरतों के हकूक पे जितना काम हुआ है और जितने बिल पास हुए हैं उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, कभी भी इतने बिल नहीं पास हुए जितने उस पर हुए हैं। जैसे कि आज चिप की बात हो रही थी, एक वो था कि आपको पता चलता है कि इर्द गिर्द के आपका हस्बैंड आपके इर्द गिर्द तो नहीं आ रहा, तो हम लोग ये पैगाम देंगे आज के दिन के लिए कि औरतों पे तशद्दुद कम करना चाहिए, लेकिन औरत को ख़ुद भी अपने आप को ठीक करना है। सबसे बेहतर जो है औरत
کو جو بھی عورت ہے، ساس ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، آپ کی نند ہے، مطلب اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ آج کی ایکٹیویٹی بہترین ایکٹیویٹیز میں تھی، کیونکہ ہمیں خاص طور پہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن کا تھا اس کا بہت زیادہ، کیونکہ کووڈ کے دوران لوگوں کو بہت سا فیس کرنا پڑا وائلنس، تو ان خواتین کو جو وائلنس کا شکار ہوئیں ان کے لیے بہت ہی ضروری تھا، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا، اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے پولیس نے بہت ہیلپ کی ہماری، خاص طور پہ ویمن پولیس نے، اور جو ہمارا سی پی او آفس میں ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے بہت ہیلپ کی ہماری، اور باقی نیوز پیپر سے بھی ہم نے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کروایا تھا، جی سارا مل کے، اور سب کے ٹیم ورک تھا بہت بڑا، اور لوگوں نے وائلنس کے خلاف خواتین نے کام کیا۔ لیکن وائلنس بڑھتا جا رہا ہے تشدد، اس میں کووڈ 19 کے دوران نا بہت زیادہ اس کا اضافہ ہوا، اور لوگوں میں اتنی زیادہ تکلیف ہے خواتین میں، خاص طور پہ اکنامیکلی اور سوشلی خواتین بہت تکلیف میں تھیں، اس کے سلسلے میں یہ لانچنگ سے ملی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ وومنس ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے، جس طرح آج بھی وومنس ڈے کے حوالے سے جو ہے یہ تقریب جو ہے وہ آرگنائز کی گئی، سو ریفرنس ٹو دس وومنس ڈے، کیا سمجھتی ہیں، کیا واقعی سوسائٹی میں ان اس طرح کے ایونٹس اور ایکٹیویٹیز کا کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل، گروپس بنائے ہوئے خواتین کے، جن میں یہاں تو صرف لیڈرس خواتین موجود تھیں، جو جا کے سوسائٹی میں یہ اس کی ریپلیکیشن ہوتی ہے ایک طرح سے پروگرام کی، تو جب وہ سوسائٹی میں جا کے بتاتی ہیں یا معلومات لے کے وہاں جا کے شیئر کرتی ہیں، تو اس سے خواتین پہ اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، اور خواتین اویئر ہو جاتی ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح ہمارے پہ اگر کوئی تشدد ہو رہا ہے تو ہم اس کو کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں۔ اس بہت میننگ فل، بہت بامانی ایکٹیویٹی تھی، اور اس میں جو رپورٹ ریلیز ہوئی ہے عورتوں کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے مختلف اقسام کا، اس کے بارے میں جو ریسرچ کی ہے عورت فاؤنڈیشن نے جذبہ پروجیکٹ کے تحت، اس کا ڈیٹا اور اس کی فائنڈنگز انہوں نے آج لانچ کی ہیں، تو اس سے عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے خلاف تشدد کے اوپر کام کرنے والے اداروں کو، پالیسی ساز لوگوں کو، اور خاص طور پہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو ممبران ہیں، خواتین ممبران بالخصوص، ان کو کام کرنے کے لیے بہت اچھی مشعل راہ ہے یہ رپورٹ۔ تو میں چونکہ ریسرچ کو بہت پروموٹ کرتی ہوں، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ عورت فاؤنڈیشن نے ریسرچ کے ذریعے یہ پیغام عورتوں کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے اس کے بارے میں دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آج جو ہے پاکستانی عورتوں کو، چونکہ آج پاکستانی عورتوں کا دن ہے، ان کو مبارکباد دینا چاہوں گی، اور آج جو ہم نے یہ تقریب لانچ کی ہے، بیسیکلی ہم جو ہے بتانا چاہ رہے ہیں کہ عورتوں پہ تشدد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو کووڈ ہے اس دوران زیادہ بڑھا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح حکومت نے کووڈ کو کنٹرول کیا اپنی اسٹریٹجیز کے ساتھ اور اس میں فائنینشیل انویسٹمنٹ کے ساتھ، اسی طرح سے جو ہے عورتوں کی ایشو جو آپ کی آدھی آبادی ہے اس کو آپ مزید جو ہے تشدد کا شکار نہ کریں، آپ ان کی تشدد کے خاتمے کے لیے جو بھی آپ قانون سازی لا رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی بجٹ ضرور کریں، تاکہ جو ہماری حکومتیں صوبائی سطح پہ قومی سطح پہ قوانین بنا رہی ہیں وہ قوانین اس کا صحیح فائدہ عورتوں کو، عام عورت کو ہو سکے۔ میجورٹی جو ہے نا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں سوسائٹی پہ اس کا جو اثر ہے وہ کم ہی نظر آتا ہے، یہ اس کی یہ وجہ ہے کہ خواتین میں ابھی اس طرح کی اویئرنیس نہیں آئی، ہم لوگ جو کہہ لیں کہ پولیٹکس میں یا این جی او سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو اویئرنیس ہے، ہماری مطلب یہ ٹریننگ سیشنز بھی ہوتے ہیں، اور یہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں کافی وہ تعلیم دی جا چکی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کمیونٹی کی سطح پہ اگر یہ پروگرام زیادہ کیے جائیں تو پھر یہ کہ لوگوں تک جو ہے نا عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو ہے نا اویئرنیس زیادہ پہنچے گی۔ مجھے اتنا اندازہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا ایک ٹینے اور گزرا یہ اس کا جو ہے نا یونین کونسل کا، اس میں کسی بھی عورت کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے اختیارات کیا ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا ساتھ ساتھ اویئرنیس پروگرامس بھی ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے، اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے، تب یہ جا کے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم کوئی کچھ حاصل کر سکیں گے۔ اگر جو ہے نا کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ان کو کوئی حق ملے، تو یہ ہے کہ ان اس کی اویئرنیس پروگرام بہت ہونے چاہیے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت دو پارٹیسپینٹ موجود ہیں جن کا تعلق بھی آج کے اس ایونٹ سے ہے، ان کو دونوں کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گا۔ کیا کہنا چاہیں گی آج کی اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے، اسپیشلی وومنس ڈے کے حوالے سے، جو ہے بہت ہی آئیکونک ٹائپ ایونٹس ہوتے ہیں لیکن اس کا جو اثر ہے سوسائٹی پہ وہ بڑا کم نظر آتا ہے؟ جی بالکل، آج کا ایونٹ جو ہے وہ بہت اچھا، اور مطلب یہ کہ
एक अच्छा इवेंट था जो कि लोगों के लिए बड़ा मोटिवेट करने वाला था, और उसमें जो हरासमेंट और वायलेंस हो रहा है उसके लिए भी उन्होंने बताया है अभी है। और हम मैं ये समझती हूँ कि जितना हरासमेंट और वायलेंस अब हो रहा है उसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम चाह रहे हैं कि इसको किसी तरह भी NGOs के ज़रिए और पुलिस के साथ मिलकर हम लोग सब इसको मतलब काबू करने की कोशिश करनी चाहिए और इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हरासमेंट इतनी ज़्यादा है। आप देख लें कि जैसे कोई भी मतलब अब लड़कियाँ बाहर निकलते भी घबराती हैं, अगवा के केस आप देख लें, तशद्दुद के देख लें, ज़्यादती के देख लें, यानी कि और फिर उस पर उन्होंने बिल तो बना दिया, सब कुछ हो गया, पास भी हो गया है हरासमेंट पे, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं हो रही तो वो क्या हो रहा है फिर? वो उसका ये है कि बिल बनाने का फ़ायदा ही नहीं है, वो तो फिर रद्दी में डालने वाली बात है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इन मामलों को जो है गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे, ताकि जो ये जो ज़्यादती बच्चों के साथ और हर मतलब जगह पे हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, और हुकूमत का बहुत बड़ा इसमें अमल दखल है कि वो इस पे काबू पाए। अच्छा, बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इवेंट्स होते रहें, क्योंकि आप देखें कि इंटरनेशनल वुमेंस डे तो हर साल आता है और बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है, लेकिन ये नेशनल वुमेन डे की भी बहुत ज़रूरत है। और जैसे ये आज का इवेंट जो था वो तशद्दुद के वाकया जो खवातीन के खिलाफ आते हैं सामने, उनको उजागर करने के लिए था, उन पर रोशनी डालने के लिए था। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डिस्कस अबाउट जेंडर बेस्ड वायलेंस, क्योंकि जब हम पैनडेमिक को देखते हैं COVID-19 के, तो हम देखते हैं कि औरतों में तशद्दुद के वाकयात बढ़े हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग घरों में थे और जो घर की औरत थी उसका बर्डन भी ज़्यादा हो गया था, ना सिर्फ घर के काम काज में बल्कि वो अपनी ऑफिशियली अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो भी देख रही थी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेस्ट टाइम था कि इस टाइम पर हमने तशद्दुद के वाकयात और उनके नुकसान और उनकी वजूहात पर बात की।